की स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित था, बहुत दुखी भी। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का, आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियां वहां पैदा हो गई। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूंगा कि कौन दोषी है, कहां क्या गलतियां हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, लोग सारे हल्द्वानी के लोग जिनसे भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत दुखी भी हैं और वो लोग प्रयासरत हैं कि लोग शांत चित्त होकर के व्यवहार करें और दोनों पक्षों को, प्रशासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है और दूसरे पक्ष को भी धैर्य और संयम रखने की अपील करूँगा।